हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ अष्टमी नवमी में बनने वाली पूड़ी और चने की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पूड़ी और चना। सबसे पहले हम चना बनाएंगे। तो मैं यहाँ ले ली हूँ एक कटोरी भिंगोई हुई चना, आधा चम्मच नमक, एक तेज पत्ता। अब दूसरी तरफ मैं ले ली हूँ एक कुकर। कुकर में डालूंगी चना। चना डालने के बाद जिस कटोरी से हम चना लिए हैं उसी कटोरी से एक कटोरी पानी को डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे एक तेज पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच घी को डालेंगे हम और इसे ढक्कन बंद करके दो सीटी लगा लेंगे। तब तक अब मसाला देखेंगे। मसाला में मैं यहाँ दो चम्मच देसी घी लिए हैं, थोड़ी सी अदरक कटी हुई, एक चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। तब तक चना भी पक गया है। चलिए देखते हैं चना अच्छे से पका है कि नहीं। तो चना अच्छे से पक गया है। दूसरी तरफ मैं रख दी हूँ गैस में कढ़ाई। कढ़ाई में डाली हूँ घी। घी को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फिर इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को चटक जाने के बाद डालेंगे कटी हुई अदरक। साथ ही इसमें हमने जो भी मसाला लिए हैं गैस को स्लो करके सभी को डाल देंगे। साथ ही नमक डाल देंगे, जिससे होगा क्या, मसाला जलेगा नहीं। फिर हमने जो चना उबाल के रखे थे पानी के साथ सभी चने को इस मसाले में डाल देंगे। अब हमने जो चना में तेज पत्ता दिए थे तेज पत्ता को हम निकाल लेंगे। चने को हम अच्छी तरह से मिला दिए हैं और इसे हम पानी सूखने तक पका लेंगे। इसे चलाते हुए, बीच बीच में आप चलाते हुए पानी को सुखा लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, चना का पानी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें दो हरी मिर्च को चीरा लगा कर डाल दिए हैं, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी धनिया, इन सभी को डाल दिए हैं हम और एक मिनट तक पका लिए हैं। फिर गैस को कर दिए हैं हम बंद। तो ये देखिए चने पककर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सभी चने को हम निकाल लिए हैं। अब पूरी का आटा देखेंगे। तो मैं यहाँ एक कटोरी आटा ली हूँ, स्वाद अनुसार नमक। गमला में डाल देंगे आटा, फिर डालेंगे नमक। आटा में नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा को गूंद कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए पूरी का आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम आटे में से छोटे छोटे लोई को तोड़ लेंगे नींबू जैसा। तो इस तरह से आप तोड़ कर तैयार कर लीजिए। और ये देखिए हम इस तरह से पूरी बनाने के लिए हम तैयार कर लिए हैं। साथ ही इसमें डाल दिए हैं सूखा आटा। तो हम एक लोई को लेंगे आटा में लगाकर, इसे इस तरह से पूरी को बेल लेंगे। इसी तरह से आप सभी पूरी को बनाकर तैयार कर लिए। हम एक और दिखाते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में सूखा आटा लगाकर पूरी को तैयार कर लीजिए।
तो ये पूरी भी बनकर तैयार हो गया है। तो हमने ढेर सारा पूरी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डाली हूँ तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक पूरी को डालते हुए इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पूरी के ऊपर इस तरह से तेल को डालते जाएंगे। तो ये देखिए कितना फूला फूला पूरी बन गया है। एक पूरी को हम निकाल लिए हैं। सेम वही प्रोसेस से हम दोबारा भी पूरी को डाल देंगे। ये पूरी भी फूलकर तैयार हो गया है। इसे भी हम अब निकाल लेंगे। फिर से हम पूरी को एक डाल दिए हैं। ढेर सारा पूरी को हम बनाकर इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये पूरी चने की बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो हमने पूरी चना बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये पूरे चने की रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।